ये मेरा पास अभी दो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, एक फुल सिलेंडर और एक खाली सिलेंडर। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप सिलेंडर को ना हिलाए, वजन ना किए, कैसे आप चेक कर सकते हैं सिलेंडर में कितना गैस बचा है। क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि गैस चेक करने के लिए कि सिलेंडर में कितना गैस है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इस वीडियो में आप अंतर देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहले गीला कपड़ा लेके सिलेंडर के ऊपर मार्क कर देना है, गीला कपड़े से दोनों, मतलब मैं दोनों सिलेंडर पर मार्क कर देता हूँ गीला कपड़े से। अभी जब मार्क अच्छी तरीके से मार्क हो जाएगा नीचे से ऊपर तक एकदम, तो उसको कुछ देर तक, मतलब हम उसको छोड़ देते हैं। तो अभी क्या होगा सिलेंडर में, क्या होता है, जब सिलेंडर में जितना गैस रहता है, मतलब जितना तक लेवल तक गैस रहता है, वो उतना तक थोड़ा कूल रहता है, ठंडा रहता है, और उसमें ऊपर जो खाली का पोर्शन है उससे थोड़ा गर्म रहता है। तो इससे क्या होता है, जितना आपका नीचे का गैस का पोर्शन है वो, मतलब जो आप ऊपर गीला कपड़े से जो मार्क किया, तो उसको पानी की सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा गर्म रहता है और थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो अगर आप उसको कुछ देर तक ऐसे ही रख देंगे, तो ऊपर का जो खाली पोर्शन है, मतलब जितना तक गैस नहीं है, तो उतना देर तक जल सूख जाता है। उसके बाद एक मार्क बन जाता है कि आपका कितना गैस वहाँ पर बचा है, और उसका जो नीचे पोर्शन है वो एक साथ सूखता है। तो मेरे पास देखिए अभी जो बहुत फुल सिलेंडर है, वो जितना सूखना था ऊपर तक वो सूख गया, उसके बाद जितना बचा है उतना मेरा फुल सिलेंडर में गैस है। और जब साइड में जो खाली सिलेंडर है वो देखिए पूरा सूख गया, मतलब उसमें गैस नहीं है। तो ऐसे आप किसी भी सिलेंडर को चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना गैस है। देखिए मेरा फुल है इसीलिए ऊपर तक अभी गीला है। अगर आपका हाफ सिलेंडर गैस रहता तो हाफ सिलेंडर, मतलब आधा गीला रहता और आधा सूखा रहता, तो ऐसे आपको पता चल जाता कि सिलेंडर में हाफ सिलेंडर गैस है। तो ऐसे आप बिना वेट किए, बिना सिलेंडर को हिलाए, आप किसी भी सिलेंडर में कितना गैस है वो चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा। और अगर आपका ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो जो साइड में जो बेल का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ।